तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पे। तो अभी हम हैं बाबा कॉलोनी। तो भाई आज तो जल्दी निकल गए थे, सोचा जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? पहली बार यहाँ जाम मिला बाबा कॉलोनी में हमें। ये ट्रक व्रक आ जाता है ना यहाँ, ये बसें वसें निकल जाती है यहाँ से, तो ट्रैफिक हो जाता है, वही दिक्कत है भाई। बाबा कॉलोनी के ख़तरनाक ट्रैफिक के बाद अब निकल चुके हैं पिछली रोड पे, और शीशे में फॉग जमा हो रहा, पता नहीं क्यों यार, होना तो नहीं चाहिए फॉग जमा, क्योंकि बाइक स्लो नहीं है, तेज़ ही चल रही है, तो तेज़ में फॉग जमा होता नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैनेज हो जाएगा, जब मैनेज होगा तो शीशा ओपन कर लेंगे, करना ही पड़ेगा यार, ओपन करके लेंगे। मुझे लगा मास्क भी पहनना पड़ेगा मुझे, ताकि मेरे जो हवा से मॉइस्चर बनता है ना, वो ना बन पाए अंदर, ये दिक्कत भी और है यार। और भाई लोगों बढ़िया, काफ़ी दिनों बाद भाई बाइक राइड कर रहे हैं। कल तो मैंने कल भी थी, लेकिन कल मैं वीडियो बनाया नहीं, क्योंकि कल थोड़ा ना मन नहीं कर रहा था, थके हुए थे, तो यार सेटअप वेटअप भी करना पड़ता है, वो मैंने सेटअप करा नहीं था, क्योंकि मैं बेसिकली ना रात को सेटअप कर लेता हूँ और सिर्फ गोप्रो लगाता हूँ सुबह सुबह। बाकी नज़ारे देखो, नज़ारे अच्छे हो रहे हैं, ठंड बढ़ गई है दिल्ली में, और निकलते हैं मेन रोड पे, फिर मिलते हैं आपसे। थोड़ा सा ट्रैफिक लग जाता है, क्योंकि यहाँ से ना एक्चुअली राइट साइड से, जैसे कि शाम के टाइम आप देखोगे तो वहाँ बाज़ार वगैरह लगता है, सब्ज़ी मार्केट वगैरह, फ्रूट मार्केट वगैरह, तो यहाँ से ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा आता है, उसकी वजह से थोड़ा ट्रैफिक लग जाता है यहाँ से, क्योंकि अंदर से फिर मर्ज होता है ना ट्रैफिक, गाड़ी वाड़ी मर्ज होती है, तो उसकी वजह से ट्रैफिक लग जाता है। ये सुट्टा हब है, सुट्टा हब। फाइनली पहुंच चुके मेन रोड पे, अब थोड़ा गाड़ी पिकअप आएगा। लेकिन फॉग जम रहा भाई इसमें, किसमें? आपका शीशे में, तो उसका भी कुछ करना पड़ेगा मुझे लग रहा है ना, ऊपर के विंग्स खुले हुए हैं इसके, हेड के, उसकी वजह से हो रहा है सब कुछ ये। लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता अभी, क्या करूँ? शीशे खोल के चलाएंगे और क्या कर सकते हैं, शीशे खोल के चलाएंगे, और यार एक राइड माननी पड़ेगी बढ़िया सी, चलेंगे उत्तराखंड साइड। लेकिन दिक्कत यह है कि लेकिन दिक्कत यह है कि गोप्रो की ना बैटरी मिल नहीं रही, और मुझे कम से कम दो बैटरी चाहिए विद चार्जर, चार्जर तो मिल रहा इजीली, लेकिन बैटरी नहीं मिल रही, जो मतलब कि ऑथराइज बैटरी हो गोप्रो की, वो नहीं मिल रही। जैसे कि मैंने गोप्रो हीरो 8 की दो बैटरी ली थी ना, वैसे कुछ मिल नहीं रही, वैसे मिल जाते भाई मज़ा आ जाएगा, आज ही मिल जाए, मैं आज ही परचेस कर लूँगा, तो कल परसों में आ जाएगा, और विद बैटरी चार्जर मज़ा आ जाएगा भैया। तो यार कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि एक्चुअली जो गोप्रो की वेबसाइट ना, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से डिलीवर हो नहीं सकती, क्योंकि वो चाइना रीजन है, तो वहाँ से डिलीवर हो नहीं पा रही, और एक दोस्त का कोई है नॉन गया था चाइना, वहाँ उसे गोप्रो हीरो 10 की बैटरी मिली नहीं, वहाँ बैटरी मिली नहीं, दिक्कत सारी हो गई ये। तो देखता भैया कोई चाइना वाइना जा रहा होगा नॉन वाला, उससे मंगा लेंगे इस बार, क्योंकि वैसे नहीं मिल रही मार्केट में, लेकिन डिलीवरी तो हो ही रही होगी। तो देखता भैया सिग्नेचर भी, जब है यार आंखें ना थोड़ी अजीब सी हो रही है, पता नहीं नींद पूरी नहीं हुई इसलिए हो रही कि क्या, कैसे हो रही है। एक तो फॉग जम जा रहा है उससे दिमाग ख़राब हो रहा है, दूसरी आई थिंक नींद पूरी नहीं हुई, आज मैं जल्दी उठ गया यार, आज मैं 5:30 बजे उठ गया, फिर मैं सोया नहीं, मैंने लगा सो गया तो भैया फिर
ऑफिस जाया नहीं जाएगा, इसलिए मैं सोया ही नहीं, लेकिन ठीक लग रहा है। देखो यहाँ तो 12 मास जाम होता ही है, उसमें अगर आप मजू की डिले पर आ रहे हो तो प्रिपेयर होकर आओ कि आपको जाम मिलेगा ही मिलेगा। मैं दोनों साइड की बात कर रहा हूँ। सुबह सिग्नेचर बीच से मजनू की डिले के आते वक्त और शाम को कश्मीरी गेट से मजनू टिकले जाते वक्त।